जान से मारने की धमकी किंग खान को मिली थी, लेकिन निशाने पर सिर्फ शाहरुख खान नहीं, उनका बेटा आर्यन खान भी था। 50 लाख की फिरौती मांगने वाला फैजान खान अपने मकसद में तो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन अब इस पूरी साजिश का एक एक राज सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी वकील फैजान खान ने शाहरुख खान की सुरक्षा में तैनात जवानों की और बेटे आर्यन खान के बारे में जानकारी जुटाई थी। आरोपी के मोबाइल फोन की इंटरनेट हिस्ट्री से इस बात का खुलासा हुआ है। बांद्रा पुलिस की जांच में ये भी पता लगा कि आरोपी ने जिस मोबाइल का इस्तेमाल किया वो धमकी देने के करीब एक सप्ताह पहले यानी 30 अक्टूबर को ही खरीदा था। आरोपी फैजान मोबाइल में पुराना सिम कार्ड लगाकर इस्तेमाल कर रहा था। फैजान ने 2 नवंबर को मोबाइल चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन मोबाइल नंबर को बंद नहीं करवाया। पुलिस को शक है कि वारदात में इस्तेमाल मोबाइल को आरोपी ने ही कहीं छिपाया है। तफ्तीश में ये भी सामने आया कि आरोपी ने धमकी देने से पहले पूरा प्लान तैयार कर लिया था। फैजान पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और अपने जवाब लगातार बदल भी रहा है। आरोपी धमकी से लेकर गिरफ्तारी की कई कहानियां गढ़ चुका है, जिस वजह से पुलिस की जांच अभी तक किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाई है। मुंबई से सूरज ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.